नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज बात करेंगे महारानी सीजन टू के बारे में सोनी लिव की ये सीरीज़ है क्रिएटर है सुभाष कपूर डायरेक्टर है रविंद्र गौतम दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओ की दुनिया की हर हलचल की जानकारी तो दोस्तों सीज़न टू की जो कहानी है वो सीज़न वन से ही आगे बढ़ती है रानी भारती जो कि कभी मजबूरी में सीएम बनी थी अब मजबूती से इस कुर्सी पर बैठी हैं हालांकि उनके पति भीमा भारती भी काफ़ी प्रभावशाली नेता है और काफ़ी ताकतवर भी हैं वो जेल से ही रैली को संबोधित करते हैं और ऐसे में लोगों को लगता है कि बिहार की जो सत्ता है वो सीएम के कार्यालय से नहीं बल्कि बेऊर जेल से चल रही है लेकिन फिर रानी भारती उठ खड़ी होती हैं कुछ कड़े फ़ैसले लेती हैं और वो ये बताती हैं कि वो एक अलग तरह की राजनीति करना चाहती हैं और ये जता देती हैं कि उनका कद भी काफ़ी बड़ा है फिर यहाँ कुछ और प्लेयर्स हैं एक है नवीन कुमार जो कि सत्रह साल से मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो फिर रानी भारती के साथ क्या होता है या दूसरे नेताओं के साथ क्या होता है बिहार की पॉलिटिक्स किस तरफ मुड़ती है यही कहानी आप इस सीरीज़ में देखते हैं दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है वो अच्छी है और इसमें आपको बिहार की राजनीति के बिहार में हुई कुछ घटनाओं के अक्स दिखते हैं हालांकि इस बार ऐसा थोड़ा कम ही दिखता है शुरुआत में एक हत्याकांड की चर्चा है जो कि सच्ची घटना से प्रेरित लगता है लेकिन उसके बाद ये कहानी बिल्कुल ही अलग मोड़ पर चली जाती है और फिर ये जो कहानी है ये बिहार में तो जरूर है लेकिन बिहार की कहानी नहीं है एक अलग ही कहानी है काल्पनिक कहानी है हालांकि यहाँ आप बिहार के बहाने देश की राजनीति के भी कुछ रंग यहां देख सकते हैं जैसे यहाँ मंडल बनाम कमंडल की चर्चा है या फिर हम देखते हैं कि एक नेता है जो कि एक धार्मिक यात्रा निकालता है दोस्तों इस सीज़न में रानी भारती के कैरेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है उनको ज़्यादा स्पेस दिया गया है और उनको उभार करके पेश किया गया है लेकिन इस क्रम में कई बार ये सीरीज़ ओवर ड्रामेटिक हो जाती है इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको ये सीरीज़ केवल छू करके निकलती है जैसे मिड डे मील में छुआछूत का मुद्दा हो या फिर अलग झारखंड राज्य की मांग यहाँ दिखती हो दोस्तों आखिरी के जो तीन एपिसोड वो काफी इंटेंस है काफी इंटरेस्टिंग है जब एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन होती है और ये जो एपिसोड हैं बहुत अच्छे तरीके से रखे गए हैं यहां जैसे शक की सुई इधर उधर घूम रही है लास्ट में कुछ खुलासे होते हैं वो सब देखने में हमको बहुत मजा आता है लेकिन ये सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है कि फिर रानी भारती आ जाती हैं और फिर उनका ओवर ड्रामा शुरू हो जाता है ये देख करके थोड़ी झुंझलाहट जरूर मचती है दोस्तों इस सीरीज में ड्रामा कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा दिखता है इतना कि टीवी सीरियल के जैसी ये सीरीज लगने लगती है अब एक दृश्य को देखिए जहाँ रानी भारती और उनके पति का आमना सामना होता है और रानी भारती कहती हैं कि अगर उनको बिहार और अपने पति में चुनना हो तो वो बिहार को चुनेंगी और फिर वो अपने माथे का सिंदूर पोछ डालती हैं हालांकि इसी सिंदूर को लेकर के कुछ और चीज़ें हमको बाद में भी दिखती हैं तो ऐसी कुछ चीज़ें जरूर हैं जो देख करके हमको अच्छा नहीं लगता या फिर कहिए कि बहुत ज़्यादा ही यहाँ हमको ड्रामा दिखता है इसके अलावा दोस्तों स्क्रीन प्ले बहुत जगहों पर काफ़ी सुस्त है और कई दृश्य हैं जो काफ़ी लंबे हैं यहाँ एडिटिंग की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी और बहुत ज़्यादा यहाँ कैची चलाने की ज़रूरत थी बहुत दृश्य ऐसे हैं जो आपको बोर करते रहते हैं लेकिन दोस्तों ओवरऑल देखें तो ये जो सीरीज़ है ये एकदम माइंड ब्लोइंग सीरीज़ तो नहीं है लेकिन ख़राब सीरीज़ भी नहीं है एक अच्छी सीरीज़ आप इसको कह सकते हैं देख करके आपको अच्छा ही लगेगा और यहाँ हम कुरैशी ने बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचा है जिस तरह से उन्होंने एक कम पढ़ी लिखी या कही कि अनपढ़ महिला का किरदार निभाया है लेकिन जिस तरह से उनका किरदार मजबूती से पेश किया गया है तो इसको उन्होंने बहुत अच्छे से पर्दे पर उतारा है हालाँकि जो बिहारी लहजा है उसमें वो थोड़ा मात खाती सी दिखती है कई जगहों पर वो बोलने की कोशिश तो करती हैं लेकिन वैसा नहीं लगता है जैसे बिहार के लोग बोलते रहते हैं इसके अलावा दोस्तों आप सोहम शाह को देखते हैं अमित सेल है विनीत कुमार है विनीत कुमार ने तो बहुत ही गजब की अदाकारी यहां की है एक दृश्य देखिएगा जहां एक विधायक हैं प्रेम कुमार वो विनीत कुमार को कुछ तस्वीरें दिखा रहे होते हैं और उन तस्वीरों को देख करके जो उनका एक्सप्रेशन बदलता है चेहरे का बहुत ही कमाल का है लाजवाब है उसके के अलावा दोस्तों दिवेंदू भट्टाचार्य हैं ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं अच्छी अदाकारी इन्होंने की है प्रमोद पाठक हैं कनी कुश्रुति है तो ये सब अपनी अपनी जगहों पर ठीक है तकनीकी तौर पे देखें तो भी ये सीरीज़ आपको अच्छी दिखती है म्यूज़िक का डिपार्टमेंट अच्छा है जो गाने रखे गए हैं वो सिचुएशन के हिसाब से ठीक है एक गाना है यहाँ शारदा सिन्हा जी का और वो ही बहुत ही अच्छा गाना है तो दोस्तों अभी दूसरे सीजन में आए हैं दस एपिसोड और ये एपिसोड है थर्टी से लेकर के सिक्सटी वन मिनट्स तक के और आमतौर पे ये साफ सुथरी सीरीज है सेक्स न्यूडिटी जैसी कोई बात नहीं लेकिन गाली गलौज जिसमें भरपूर है और दोस्तों इस सीरीज के लिए मेरी रेटिंग रहने वाली है पांच में से तीन की तो दोस्तों आज इतनी बात आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर यह सीरीज देख रखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको यह कैसी लगी धन्यवाद